नमस्कार, मैं जितेंद्र, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। भातकुली पुलिस थाना के लोकार्पण पालक मंत्री के हाथों संपन्न। पूरे अक्टूबर माह में चलाए गए स्तन कैंसर जनजागृति कार्यक्रम को दर्शकों का भारी प्रतिसाद। विंध्यावासिनी कॉलोनी में हुई डकैती में एक डकैत का स्केच तैयार। देशपांडेवाड़ी में लगे बिजली के तार दे रहे मौत को न्योता। और पालक मंत्री की विजन 2020 पर महत्वपूर्ण बैठक। आज की सुर्खियों के प्रायोजक हैं। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। महाराष्ट्र के पुलिस महासंचालक के सुब्रमण्यम का आगामी 2 नवंबर को अमरावती शहर में आगमन होगा। अपने नियोजित दौरे में डीजीपी के सुब्रमण्यम आईजी कार्यालय में एक विशिष्ट बैठक को संबोधित करेंगे, ऐसी जानकारी दी जा रही है। तथा अमरावती शहर के सभी पुलिस अधिकारियों से कायदा एवं सुव्यवस्था के बारे में वो पूछताछ करेंगे और तत्पश्चात गढ़चिरौली में होने वाले एक विशिष्ट कार्यक्रम के लिए वो रवाना होंगे। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम दाभा के पास प्रवासी ऑटो व एक दुपहिया वाहन में भीषण टक्कर हो गई। ऑटो सवार में एक 30 वर्षीय युवक की उपचार के दौरान ही मौत हो गई, जिसमें 4 यात्री घायल हो गए। घटना के पश्चात दुपहिया सवार फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोनी पुलिस थाना क्षेत्र के जलगांव निवासी राजेश रामभाव राउत रविवार की दोपहर ऑटो क्रमांक MS27P7896 से अन्य 4 सवारियों के साथ बैठकर बडनेरा से जामगांव जा रहे थे। तभी ग्राम धाबा के पास एक दुपहिया चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर ऑटो को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में ऑटो पलटी खा गया, जिसमें राजेश राउत बुरी तरह घायल हो गए, जिसे ऑटो चालक तुरंत जिला अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने राजेश राउत को मृत घोषित किया। इसी घटना में 4 अन्य घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में उपचार शुरू है, जबकि घटनास्थल से मोटरसाइकिल सवार फरार हो गया है। बडनेरा पुलिस थाने में पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर फरार दुपहिया चालक की तलाश कर रही है। श्री चेतनदास राधाकृष्ण मंदिर संस्थान चेतनदास बगीचा अमरावती द्वारा सोमवार 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक श्री नवचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। यह प्रारंभ करने से पूर्व सोमवार सुबह श्री बालाजी मंदिर इतवारा से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। चेतनदास बाबा की प्रेरणा से 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चेतनदास राधाकृष्ण मंदिर संस्थान प्रांगण में श्री नवचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। नवचंडी पारायण यज्ञ मध्य प्रदेश के धतरपुर जिला स्थित नवगांव के ज्योतिष वास्तु एवं यज्ञ कर्मकांड विशेषज्ञ यज्ञाचार्य पंडित आशीष वर्धन दुबे शास्त्री द्वारा विधिवत संपन्न कराया जाएगा। श्री नवचंडी यज्ञ के शुभारंभ पर बालाजी मंदिर संस्थान इतवारा बाजार से पूरे परिसर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में महिलाओं ने सर पर कलश लेकर विभिन्न वेशभूषा धारण कर बड़ी संख्या में सहभाग लिया। इस महान यज्ञ में अमरावती वासियों से लाभ लेने का आयोजक ने आह्वान किया गया। गीता योगं तो आदिति देव आदिति अंतरिक्ष मादिति शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत भातकुली पुलिस थाने का उद्घाटन सोमवार सुबह पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के हाथों किया गया। इस पुलिस थाने में बडनेरा लोनी व खोलापुरी पुलिस थाने के कुल 31 गांवों का समावेश रहेगा। साथ ही भातकुली के नायब तहसीलदार कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। भातकुली पुलिस थाने का पालक मंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया तथा ध्वजारोहण कर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मानवंदना कर पालक मंत्री विखे पाटिल ने पुलिस स्टेशन डायरी
पर सबसे पहला हस्ताक्षर किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर द्वारा अधिकारी व नागरिकों को नैतिकता की शपथ ग्रहण कराई। शासनाने सदर पुलिस स्टेशन साठी एक पुलिस निरीक्षक, दोन सहायक पुलिस निरीक्षक व 30 कर्मचारी असे 33 कर्मचारीची अधिकारी कर्मचारीची मान्यता दिली असून आम्ही 33 कर्मचारी कमी पडत असल्यामुळे आम्ही आमचे एक्झिस्टिंग मनुष्यबल मधून आणखी काही कर्मचारी देऊन सध्या 40 कर्मचारीची नेमणूक सदर पुलिस स्टेशनला केलेली आहे। सदर पुलिस स्टेशन सध्या सेवा सहकारी संस्थाचे एक इमारत रेंटेड अकोमोडेशन मध्ये आजपासून सुरू होत आहे आणि नवीन बिल्डिंगचे प्रस्ताव पीएचसी पाणी टाकी जवळ जे एक जमीन आहे तिथे नवीन पोलीस स्टेशन प्रस्तावित आहे। आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की स्थानिक आमदार श्री रवी राणा आणि माननीय पालकमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन नक्कीच नवीन पोलीस स्टेशनची नवीन इमारत चे भूमिपूजन लवकरात लवकर सुरू होईल अशी आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का संदेश नागरिकों को सुनाया गया। आज पोलीस स्टेशन या ठिकाणी होत असताना हीच भूमिका माझ्या पाठीमागे आहे, माझ्या पाठी माझ्या भावनेमध्ये आहे। पोलीस हा खरं लोकांचा मित्र असायला पाहिजे, परंतु कायदा हातात घेणाऱ्या लोकांच्या संबंधी ज्यावेळी प्रश्न निर्माण होतो त्यावेळी कठोरपणे कारवाईचा प्रश्न तयार होतो, त्यावेळी त्याला तो जनतेचे विरोधक जनतेचा विरोधक आहे, शासनाचा हस्तक आहे अशा प्रकारची भाषण आपण करायला तर म्हणजे कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी ठेवण्याची जबाबदारी ज्या आमच्या पोलीस विभागाला आहे कुठल्या वेळापत्रक नाही त्यांना, कुठल्या प्रकारची त्यांना बक्षिसी नाही, तुमच्या आमच्या संरक्षणासाठीच मंडळी काम करते ना। काही त्रुटी असतील काही 5-10% मंडळी त्याच्यामध्ये या सगळ्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेणारे असते मी नाकारत नाही, कारण सगळ्याच ठिकाणी आपल्यामध्ये नाही का आपण ग्रामपंचायतीमध्ये लोक निवडून देतो जास्त काही लोक भ्रष्टाचार करणारे सोसायटीमध्ये आहेत, ग्रामपंचायत आहेत, पण संस्था बोलवल्या लोकांनी प्रत्येक व्यवस्थेमध्ये हा भ्रष्टाचारी लागलेली खीड आहेच आहे। पोलीस सुद्धा माणसंच आहे, त्याच्यामध्ये काही ते वेगळं काही त्याच्यात नाहीये, परंतु याचा अर्थ सगळ्याच व्यवस्थेला पण बदनाम व्यवस्थेला पण जबाबदार धरतो का? पण त्यातून जी चांगली बाजू आहे ती आपण स्वीकारताना त्यातून जनतेचं रक्षण करण्याचं काम आज जे खऱ्या अर्थानं कोणी करत असेल, आज एक समाजाला जो खऱ्या अर्थानं जर आधार वाटत असेल कोणाचा तो ह्या पोलीस यंत्रणेचा मोठा आधार वाटतो, त्याच्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे। मित्र हे मुद्दा मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे, प्रस्ताव येणं, तो प्रस्ताव मान्य होणं, त्या प्रस्ताव 10 अधिकाऱ्यांनी लिहिणं परिणित बरोबर आहे, म्हणजे तो शिकतोय हे महत्वाची गोष्ट आहे। धरपळ आहे मतदारसंघात काही व्हावं, चांगलं करावं, चांगलं करण्याची भूमिका आहे। इथे किती वर्ष तहसील कार्यालयाचं भांडण होतं, शेवटी नायब तहसीलला सुरुवात केली आहे, परंतु आता भविष्य काळात स्वतंत्र तहसील कार्यालयाची इमारत तुम्हाला बांधून दाखवू आणि नवीन तहसीलदार घेऊन दाखवू। इस 45 गांव का प्रतिनिधित्व करने वाले पुलिस थाने की जिम्मेदारी थानेदार सरजेराव बाबर को सौंपी गई। यह पुलिस थाना सेवा सहकारी सोसाइटी की इमारत में अस्थायी रूप से किराए पर लिया गया है। एक अद्यावत नाविन्यपूर्ण अशी कल्पना निर्माण करून राहता या तालुक्याच्या ठिकाणी एक अत्यंत मॉडर्न असं बीओटी तत्वावर पोलीस स्टेशन सुरू केलेलं आहे, त्यामुळे ते आमच्या पूर्ण महाराष्ट्राच्या पोलीस विभागासाठी एक अत्यंत मार्गदर्शकपर आणि एक मॉडेल असं पोलीस स्टेशन निर्माण झालेलं आहे। आणि साहेब योगायोगाने आपल्या जिल्ह्याचे आणि आयुक्तालयाचे पालकमंत्री असल्यामुळे त्यांच्या या अनुभवाचा आपल्या या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपयोग होईल हे मला इथे आवर्जून नमूद करावंसं वाटतं। एक अत्यंत चांगली गोष्ट झाली सर, आपण समरसपुरा पोलीस स्टेशनचं उद्घाटन केलं, कधी नाही एवढ्या चांगल्या पद्धतीने यावेळेला गणपती दुर्ग अचलपूर परतवाड्यात झाले, आपला पायगुण चांगला आहे, आपण आम्हाला जास्तीत जास्त वेळ द्या, आपण अनेक पोलीस स्टेशन सुरू करू। इस पोलीस थाने में एक PI, 2 API, एक PSI तथा 30 महिला व पुरुष कर्मचारियों का समावेश आहे। पुलिस थाने के साथ ही पालक मंत्री के हाथों नायब तहसीलदार कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। बता दें कि भातकुली तहसील मात्र नाम की ही थी,
यहाँ एक भी इससे पूर्व तहसील शासकीय कार्यालय नहीं था। पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के अमरावती दौरे के दौरान पालक मंत्री ने जिलाधिकारी कार्यालय में विजन 2020 पर महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में काम चोर अधिकारियों पर बरसे पालक मंत्री ने फटकार लगाई। शासन द्वारा युवा किसान व ग्रामीण वासियों के हित में तैयार की योजना विजन 2020 पर सोमवार के दिन पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने जिलाधिकारी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस योजना की रिपोर्ट नवंबर माह तक पूर्ण हो जाने की बात कही गई। बैठक के दौरान पालक मंत्री ने कृषि, मत्स्य, सिंचाई आदि विभाग के कामचोर अधिकारियों को जोरदार फटकार लगाई तथा प्रभारी पद से अधिकारियों को हटाकर जवाबदार अधिकारियों के काम सौंपने के आदेश दिए। इस बैठक के पश्चात हमारे संवाददाता ने पालक मंत्री से बैठक के विषय में विस्तृत जानकारी ली। कारण बेसिकली कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याचं आणि महाराष्ट्र जे कापूस महामंडळ संघाला आहे ताबडतोब खरेदी केंद्र सुरू करण्याची सूचना दिलेली आहे। कापसाचा भाव जो आहे कधी मिनिमम सपोर्ट प्राईज आहे कापसाची ती वाढून मिळावी म्हणून केंद्र सरकारला आपण विनंती केलेली आहे। परंतु अपेक्षा आहे की गेल्या वर्षी जो 7,000 रुपयेपर्यंत भाव गेला होता आज लोकांची अपेक्षा आहे की 4,500 रुपयेपर्यंत भाव मिळाला पाहिजे अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे। परंतु वी आर वॉचिंग द सिच्युएशन आम्ही लक्ष ठेवून आहोत। पावसाच्या बाबतीमध्ये आता कायमस्वरूपी निर्यातबंदी उठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला आहे। हे जर घडलं तर मला असं दिसतं की कपाशीचे भाव कापसाचे भाव वाढवला। जिला प्रशासन ने इसी माह के 13 तारीख को हुए पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण ड्रॉ में गलती होने की बात कबूल करते हुए दोबारा ईश्वर चिट्ठी निकालने की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार 2 नवंबर के संबंधित तहसील दफ्तरों में सुबह 11 बजे से संबंधित पंचायत समिति का ड्रॉ निकाला जाएगा। जिलाधीश द्वारा जारी सूचना अनुसार धारणी, चिकलदारा, वरुड़ और मोर्शी की पंचायत समितियों की गण निश्चित सीटों में कुछ मात्रा में गलतियां पाई गई है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार नए सिरे से सीटें तय करने के लिए और उसके लिए आरक्षण ड्रा पद्धति से कार्यवाही करने के लिए विशेष सभा बुलाई जा रही है। यह सभा 2 नवंबर की सुबह 11 बजे संबंधित तहसीलों में होगी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्रियदर्शिनी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी इनके 27 के पुण्यतिथि दिन पर तथा भारत के पहले गृह मंत्री लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके जयंती दिन पर मनपा में विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्व इंदिरा गांधी इनके पुण्यतिथि तथा भारत के प्रथम गृह मंत्री लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके जयंती के दिन के उपलक्ष्य में अमरावती महानगर पालिका में भावपूर्ण आदरांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में मनपा के महापौर एडवोकेट किशोर शेड़के ने स्व इंदिरा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके प्रतिमाओं का पूजन कर माला अर्पण की। इस अवसर पर चेतन पवार, कंचन मालाताई, ग्रेस पुंजे, सुरेश स्वर्गे सहित मनपा के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी विशेष रूप से उपस्थित थे। विंध्यवासिनी कॉलोनी में 29 अक्टूबर की देर रात हुई डकैती में शामिल चड्डी बनियान गिरोह के 60 डकैतों में से एक डकैत का पुलिस विभाग द्वारा स्केच बनाया गया है। शातिर डकैतों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। 29 अक्टूबर की देर रात चड्डी बनियान गिरोह के 60 डकैतों ने जुना बायपास रोड स्थित गुणवंत लॉन के पीछे निवासी डॉक्टर राजेंद्र पांडे के निवास स्थान पर किचन की खिड़की के रास्ते प्रवेश किया और परिवार के सदस्यों को कपड़ों से बांधकर नकदी व जेवर मिलाकर 40,000 रुपए की डकैती कर फरार हुए। डकैतों में से परिवार वालों ने एक डकैत की शक्ल देख ली थी, बाकी डकैतों के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। परिवार वालों के बताए अनुसार एक डकैत का पुलिस द्वारा स्केच तैयार किया गया है। जिस दिन सातों डकैत डकैती करने आए थे उस दिन डकैतों का कहना था, कहां रखे है 1 करोड़ रुपए निकालो, जिस पर अंदाजा लगाया गया कि डकैतों को किसी ने यह सूचना दी होगी कि डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने लक्ष्मी पूजन के लिए 1 करोड़ रुपए अपने घर में रखे हैं और इन डकैतों ने रातों रात करोड़पति बनने का सपना संजोया, घटना को अंजाम भी दिया, परंतु डकैतों को मुंह की खानी पड़ी। शायद डकैतों को यह नहीं मालूम डॉक्टर राजेंद्र पांडे तो यहाँ किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहते हैं। फिलहाल अज्ञात डकैतों की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। दुनिया की सबसे बड़ी 1,01,111 स्क्वायर फुट की विश्वविक्रमी महारंगोली स्थानीय जिला स्टेडियम में 11 नवंबर के दिन श्रद्धा आर्ट सोसाइटी द्वारा 11 घंटे में पूर्ण करने का निर्णय लिया है। ऐसी जानकारी इस सोसाइटी की अध्यक्ष सौ ज्योति तोटेवार ने आयोजित एक पत्रकार परिषद में दी।
आगे बताया कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के उद्देश्य से श्रद्धा आर्ट्स द्वारा विश्व विक्रमी महारंगोली का आयोजन 11 नवंबर के दिन जिला स्टेडियम में सन 11 महीना 11 तारीख 11 रात 11:11 पर महारंगोली की शुरुआत की जाएगी। यह रंगोली 11 घंटे में पूर्ण होगी। इस रंगोली का लोकार्पण दूसरे दिन 11:11:11 पर किया जाएगा। इस महारंगोली में 21 टन रंगोली का उपयोग किया जाएगा जिसमें 11 रंगों का समावेश रहेगा। इस रंगोली को बनाने के लिए 11 सदस्यों का दल चयन किया जाएगा। यह महारंगोली 1,01,111 स्क्वायर फुट क्षेत्रफल में साकारी जाएगी। प्रत्येक कलाकार 10,000 स्क्वायर फुट क्षेत्रफल में रंगोली उकारेंगे। इस महारंगोली का उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के हाथों किया जाएगा। इस तरह महिला व बाल कल्याण मंत्री वर्षाताई गायकवाड़, सामाजिक न्याय मंत्री शिवराज मेघे, पशुवर्धन व दूध विकास मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, ऊर्जा मंत्री राजेंद्र मूलक तथा अन्य गणमान्य उपस्थित रहेंगे। श्रीमती इंदुमती राठी फाउंडेशन तथा सिटी चैनल के संयुक्त तत्वाधान में पूरे अक्टूबर माह में चलाए गए स्तन कैंसर जन जागृति कार्यक्रम को शहर में काफी प्रतिसाद मिला। इस स्तन कैंसर जन जागृति कार्यक्रम में सिटी चैनल ने इसके लक्षण, जांच, उपचार आदि के बारे में अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई थी। स्थानीय इंदुबाई राठी फाउंडेशन तथा सिटी चैनल द्वारा पूरे अक्टूबर माह में स्तन कैंसर जन जागृति पर विशेष कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की विस्तृत जानकारी तथा इसके लक्षण, जांच, उपचार आदि के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम को शहर में विशेष प्रतिसाद मिला तथा अन्य 20 जगहों पर आयोजित शिविर में भी लोगों ने लाभ उठाया। स्तन कैंसर की बीमारी से अनभिज्ञ लोगों को स्तन कैंसर के लक्षण क्या है तथा इसके पूरे इलाज के बारे में जानकारी दी गई तथा स्तन कैंसर की बीमारी, आधुनिक उपचार पद्धति, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के बारे में भी जागृति की गई। स्तन कैंसर जन जागृति अभियान के अंतर्गत सिटी चैनल पर विशेष कार्यक्रम पूरे अक्टूबर माह भर प्रसारित किया गया, जिस कार्यक्रमों द्वारा शहर के तज्ञ डॉक्टरों ने स्तन कैंसर संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। स्तन कैंसर जन जागृति द्वारा पूरे शहर को कैंसर मुक्त करने का मानस आयोजकों का है। इस कार्यक्रम के लिए श्री इंदुबाई राठी फाउंडेशन तथा सिटी चैनल को दर्शकों का भारी प्रतिसाद मिला। आगे भी ऐसे जनहितार्थ कार्यक्रम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सिटी चैनल प्रयासरत है। शहर के तमाम परवाना धारक केरोसिन विक्रेताओं को दीपावली के लक्ष्मी पूजन के दिन से केरोसिन न मिलने से शहर के लगभग सभी केरोसिन विक्रेता 3 तारीख की राह देखने की बात ग्राहकों को बताते नजर आए हैं। पर यही केरोसिन ब्लैक मार्केटिंग में खुले आम दुगने कीमत पर बिक रहा है, यह विशेष। केरोसिन चाहिए तो 3 तारीख के बाद आइए, क्योंकि दीपावली के दिन से रॉकेल की गाड़ियां नहीं आने से शहर के तमाम परवाना धारक केरोसिन विक्रेताओं के दुकानों पर केरोसिन नहीं है के बोर्ड लटके देखे जा सकते हैं। पर सख्ते में लाकर सबको चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो केरोसिन शहर के तमाम परवाना धारक विक्रेताओं के दुकानों से गायब हो चुका है, वही केरोसिन शहर के विभिन्न ठिकानों से अपने 40 रुपए प्रति लीटर के दामों पर बेचा जा रहा है। शहर के इतवारा बाजार, कड़बी बाजार, बेलपुरा जैसे जगहों पर अवैध केरोसिन की बिक्री चल रही है। इस ओर पूर्ति विभाग को जल्द से जल्द ध्यान देकर कार्रवाई के कदम उठाने चाहिए। ऐसी मांग भी केरोसिन दुकानों से बेरंग लौट रहे कई ग्राहक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। भातकुली पुलिस थाने का उद्घाटन पालक मंत्री के हाथों किया गया। उद्घाटन होते ही गांव में होने वाली सभी अवैध धंधों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के लिए दफा 110 धारा लागू की गई है। भातकुली पुलिस थाने का उद्घाटन होने के बाद शाम तक किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, ऐसी जानकारी इस थाने के पद संभाले थानेदार सरजेराव बाबर ने दी। परंतु कई दिनों से ग्रामीण भागों में चल रहे अवैध धंधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर ने दफा 110 की धारा लागू की है। साथ ही पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि किसी भी राजकीय पार्टी का हस्तक्षेप नहीं चलने देंगे। साथ ही पुलिस सिपाहियों को कर्तव्य सिद्धता से काम करने का आदेश भी दिया। इसके बाद गाँव में अवैध धंधा करने वालों की पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पेशगी होगी। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज।
अब देखिए खास खबरें। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्रियां रह चुकी चार अभिनेत्रियां हाल ही में एक समारोह के दौरान एकत्रित आई थी। अब भले ही उनके उम्र के चलते वह फिल्में नहीं कर पा रही हो, पर अंदाज और अदाओं में कुछ भी कमी नजर नहीं आती। ये चारों हसीनाओं में नंदा, वहीदा रहमान, हेलन और साधना, इन चारों का समावेश है, जिनके पूर्व की तस्वीरें नीचे की पट्टी में और हाल ही की तस्वीरें ऊपर के ग्रुप में देखी जा सकती हैं। है ना ये वही हसीनाएं? 8 वर्ष पूर्व अंबादेवी संस्थान ने फिरते रुग्णालय की सेवा देने हेतु अपने रुग्ण सेवा केंद्र द्वारा एक विशेष एम्बुलेंस शुरू की थी। 10 लाख कीमत वाली एम्बुलेंस कुछ वर्ष तक तो रुग्णों की सेवा में इस्तेमाल की गई, लेकिन अब यह एम्बुलेंस पूरी तरह बदहाल अवस्था में पड़ी हुई है। इस एम्बुलेंस के बदहाल होने से शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी आरोग्य शिविर गत 1 वर्ष से आयोजित नहीं किया गया। हर वर्ष संस्था में जमा होने वाले निधि अंबादेवी संस्थान द्वारा रुग्ण सेवा में खर्च किया जाता है, लेकिन एम्बुलेंस पूरी तरह बदहाल होने से रुग्ण सेवाओं में तकलीफें आ रही हैं। इस बदहाल एम्बुलेंस के बारे में विश्वस्त सूत्रों ने विस्तृत जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। देशपांडेवाड़ी में लगी बिजली विभाग की नंगी तारे बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। इस परिसर में लगे बिजली के तार की ऐठन खुलकर सारे तार टूट गए हैं। मात्र एक तार पर अटका हुआ तार कभी भी टूट सकता है। यह तार बीच में मोहल्ले के ऊपर से गुजर रहा है। यहाँ पूरे मोहल्ले का रात दिन आवागमन रहता है, यही छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। इस गंभीर विषय पर स्थानीय नागरिकों ने कई बार बिजली विभाग को सूचित किया, परंतु इस विभाग को पुरानी आदत पड़ी है, जब तक बड़ी घटना नहीं होती इनका ध्यान ही नहीं जाता। शायद इस बार भी यह अधिकारी बिजली कर्मी किसी बड़ी घटना की राह देख रहे हैं। बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों का तो क्या कहना, इन्हें एसी में बैठकर कुर्सियां तोड़ना और हुकुमशाही करके ऐश करने की फुर्सत ही नहीं। घटनाएं हो तो हो, उनकी बला से सरकार वेतन दे ही रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। स्थानीय मालवी चौक में भुयारी गटर का काम पिछले 1.5 महीनों से बंद है, जिसकी वजह से परिसर में रखी गई काम की सामग्री तथा की गई खुदाई से आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि रास्ते के मोड़ पर ही खुदाई की गई नाली में बहुत गंदा पानी जमा हुआ है। इसी नाली में बड़ी संख्या में मच्छर भी पनप रहे हैं। नाली के गंदे पानी से आने वाली दुर्गंधी तथा पनप रहे मच्छरों से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है, तथा रास्तों के मोड़ पर ही खुदी हुई ये नाली किसी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। क्या सार्वजनिक विभाग इस पर ध्यान देगा या यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठकर बड़ी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। नवाते परिसर के निवासियों को या तो रेलवे पटरी के ऊपर से पैदल जाना होता है या अस्थायी रूप से बने पुलिया के नीचे से गुजरने वाले मार्ग से, दोनों ही घातक है। रेलवे पटरी के ऊपर से जाने वाले को आने जाने वाले ट्रेन से खतरा है, वहीं पुल के नीचे से गुजरने वाला मार्ग इतना घातक है कि वाहन कभी भी गड्ढे पत्थरों पर से ले जाते समय गिर सकता है। ऐसी घटनाएं यहां आम हो गई हैं। इस परिसर के नागरिक इस तरह की जिंदगी जीने के लिए बेबस है। अब बात आती है इस तरह के खतरनाक क्षेत्र से गुजरने वालों को खतरा होने का सूचना फलक मनपा ने लगाया जाना चाहिए था, परंतु मनपा भी बेकार ही साबित हुई है। और हो भी क्यों ना, हमेशा ही अपना कुंभकर्णी नींद के कारण विख्यात रही है। मजबूरी में कुछ समाज सेवकों ने अपने परिसर वासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा हेतु चेतावनी फलक लगाया है। आम्हाला जर बडनेर रोड वर जायचं असेल तर राजापेठ किंवा गोपालनगर शिवाय पर्यायच नाही, म्हणजे 1.5 किलोमीटर इकडे आणि 1.5 तरी हा स्वतः नागरिकांनी इथून एक तात्पुरता रस्ता केलेला होता। आता याला मागे आम्ही परिसरातील सर्व ज्येष्ठ नागरिक सर्वांनी आंदोलन करून 5 वर्षापूर्वी इथे रेल रोको आंदोलन झालं, त्यानंतर जनप्रतिनिधींनी आश्वासन देऊन लोकांना म्हटलं हा रस्ता तयार करण्याचं भुयारी मार्ग काढण्याचा एक पर्याय दिला होता। खोल किती असल्या पाहिजे, नाल्या कसा स्लोप असला पाहिजे, याचं नियोजन बिलकुल नाही आहे। याकडे आयुक्तांनी लक्ष द्यायला पाहिजे, प्रशासनाने लक्ष द्यायला पाहिजे नगरसेवकासोबत, तसंच आमदार आहेत, खासदार आहेत, त्यांनी पण या परिसरात लक्ष द्यायला पाहिजे। इथे एक बोर्ड दिसतोय मला मनसेच्या तर्फे लावण्यात आलेला, हे बोर्ड लावण्याची आपल्याला गरज का पडली? इथून ट्रक आणि ट्रॅक्टर, मुरुम ट्रक, रेती याची वाहतूक नेहमी होत असते, काही त्याच्यात अयोध्यरित्या वाहतूक असेल,
लोकांनी परिसरातील लोकांनी पुष्कळ निवेदन देऊन ती वाहतूक चालूच आहे. त्यामुळे आम्ही आता ही बोर्ड वॉर्निंग म्हणून लावलाय. जर हे बोर्ड लावल्यावर जर इथून ट्रक जात असतील तर मग आम्ही काय करायचं त्याच्यानंतर त्या ट्रकचं पाहून घेईल. दिल्ली के श्री श्याम जगोता देश के जाने माने कार्टूनिस्ट है. उन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए हमें आज का यह कार्टून भेजा है. हाल ही में प्रसिद्ध गायिका लेडी गार्गा का भारत आगमन हुआ था. गार्गा के गायकी की सभी तारीफ करते हैं. उसी समय देश के राजनेता दिग्विजय सिंह की कई लोग धज्जिया उड़ा रहे हैं. इसीलिए आज हमारा कार्टून कोना कहता है कोई गाय कोई भौके. ये थे अब तक के कुछ खास समाचार. एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर. भातकुली पुलिस थाना के लोकार्पण पालक मंत्री के हाथों संपन्न. पूरे अक्टूबर माह में चलाए गए स्तन कैंसर जनजागृति कार्यक्रम को दर्शकों का भारी प्रतिसाद. विंध्यावासिनी कॉलोनी में हुई डकैती में एक डकैत का स्केच तैयार. देशपांडेवाड़ी में लगे बिजली के तार दे रहे मौत को न्योता. और पालक मंत्री की विजन 2020 पर महत्वपूर्ण बैठक. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने कीमती सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर सात अमरावती और हमारा फोन नंबर है 2563833. इन समाचारों के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें. सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल. हर घंटे होती रहेगी नए नए समाचारों के साथ फिर मुलाकात. नमस्कार. आपके फोर व्हीलर का सपना पूरा कीजिए साई कार्स के साथ. 15 वर्षों से ग्राहकों की सेवा में कार्यरत विनम्र और तत्पर सेवा में सुसज्ज शोरूम. सबसे कम ब्याज दर और फाइनेंस की सुविधा. टाटा हुंडई मारुति आदि कंपनियों के वाहनों सहित वाहनवाग वाहन भी वाजबी दामों पर सदैव उपलब्ध. सभी कंपनियों के कारों की खरीदी बिक्री में अग्रणी है साई कार्स. तुरंत संपर्क करें साई कार्स एंड फाइनेंस साई पूजा सहकार नगर शेगांव रोड नाका न्यू कॉटन मार्केट के पास अमरावती. हरियाली फैमिली रेस्टोरेंट आणि बार अमरावती मधील सर्वात मोठ्या व सुंदरा गार्डन मध्ये शाही बैठकाची व्यवस्था. पार्टी बर्थडे एंगेजमेंट सेमिनारासाठी फॅमिलीसाठी स्वतंत्र प्रवेश व सिटिंग व्यवस्था. स्वच्छता देखभाल यावर विशेष लक्ष. मुलासाठी खास मनोरंजनाची साधने. एसी डिलक्स बार हॉल ओपन बारबेक्यू व तंदूर डिशेस. आता तुम्ही येऊ शकता बडनेर रोड तथा साईनगर रोड वरून. दम बिर्याणी वराडी बटकांडी नॉनव्हेज हरियाली फॅमिली.